हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इंजन की बेसिक्स एवं उसके कुछ पार्ट्स की स्टडी की है। आज के वीडियो से हम इंजन के कूलिंग सिस्टम की स्टडी स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम कूलिंग सिस्टम के बेसिक्स को समझेंगे और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इंजन में कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, कूलिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी कैसी संरचना होती है एवं एयर कूलिंग सिस्टम के क्या लाभ एवं हानियां हैं एवं इसके कौन से रखरखाव हैं। इसके बाद हम जानेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम का परिचय एवं उसकी संरचना और वीडियो के अंत में हम जानेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के प्रकार तथा थर्मो साइफन सिस्टम एवं पंप सर्कुलेशन सिस्टम का परिचय। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कूलिंग सिस्टम क्या होता है। इंजन में कंबशन चैम्बर का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिससे कि इंजन एवं इसके पार्ट्स बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। इंजन के तापमान को कम करके इसे ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक लाने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इंजन में कूलिंग सिस्टम का कार्य है इंजन के तापमान को कम करके इसे ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर मेंटेन करना, क्योंकि इंजन को कार्य करने के लिए ना तो बहुत अधिक गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता के बारे में। जैसा कि हमने अभी जाना, कूलिंग सिस्टम का कार्य है इंजन के तापमान को कम करके इंजन के टेम्परेचर को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर मेंटेन करना। कूलिंग सिस्टम इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यदि कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा, जिसके निम्नलिखित दुष्परिणाम होंगे। इंजन की ओवरहीट होने पर इंजन के पार्ट्स जैसे कि पिस्टन, सिलेंडर एवं वॉल्व गर्म होकर फैलेंगे, जिससे ये सीज हो जाएंगे। साथ ही अत्यधिक गर्मी के कारण फैलने से ये पार्ट्स टेढ़े भी हो सकते हैं तथा अत्यधिक गर्मी के कारण वॉल्व जल भी जाते हैं। इंजन के ओवरहीट होने से इंजन में प्रीइग्निशन, नॉकिंग, डिटोनेशन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इंजन के ओवरहीट होने से ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी गर्म होकर पतला हो जाएगा, जिससे कि यह इंजन के पार्ट्स की प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन नहीं कर पाएगा, जिससे इंजन के पार्ट्स अधिक घिसेंगे, उनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और पार्ट्स घिसकर खराब हो जाएंगे। इसके साथ ही ओवरहीटिंग के कारण इंजन की इफिशियंसी एवं फ्यूल इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ता है। इन सब दुष्परिणामों को रोकने के लिए इंजन के टेम्परेचर को एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर मेंटेन करना होता है और यह कार्य इंजन में करता है कूलिंग सिस्टम। इसलिए इंजन में हमें कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। आइए अब जानते हैं कूलिंग सिस्टम के प्रकारों के बारे में। कूलिंग सिस्टम में इंजन की गर्मी को किसी कूलिंग मीडिया के द्वारा निकालकर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। कूलिंग मीडिया के रूप में मुख्यतः पानी एवं हवा का प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर कूलिंग सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम एवं वाटर कूलिंग सिस्टम। आइए एक एक करके इन सिस्टम को समझते हैं। पहला सिस्टम है एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में हवा के द्वारा इंजन की गर्मी को वातावरण में छोड़ा जाता है, जिससे कि इंजन ठंडा होता है। एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में हमें यह निम्न मुख्य बातें याद रखनी है। एयर कूल्ड इंजनों में इंजन के सिलेंडर ब्लॉक एवं सिलेंडर हेड के ऊपर फिन्स बने होते हैं। ये देखिए, यह जो मेटल की पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, इन्हें फिन्स कहते हैं। इन फिन्स के कारण सिलेंडर एवं हवा का कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि इंजन जल्दी ठंडा हो पाता है।
स्टेशनरी इंजनों में एक ब्लोअर भी लगा रहता है जो कि इन फिन्स पर हवा की मात्रा एवं गति को बढ़ा देता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में ब्लोअर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वाहन के चलते समय हवा की पर्याप्त मात्रा इन फिन्स तक पहुंचती है। एक बात और, यदि मल्टी सिलेंडर इंजनों में एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा तो सभी सिलेंडरों के लिए अलग अलग सिलेंडर ब्लॉक बनाने होंगे। इसी कारण से एयर कूल्ड सिस्टम का प्रयोग केवल टू व्हीलर या छोटे स्टेशनरी इंजनों में किया जाता है। एयर कूलिंग सिस्टम के निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसका रखरखाव सरल है, इसमें पानी के जमने या जंग लगने की संभावना नहीं होती। इसकी संरचना भी सरल है, इसमें वॉटर पंप, रेडिएटर आदि पार्ट्स के नहीं होने से इसका भार भी कम होता है। एयर कूल्ड इंजनों में वॉटर जैकेट आदि नहीं बनाने होते, इसलिए इनकी ढलाई भी आसान हो जाती है। आइए अब जानते हैं एयर कूलिंग सिस्टम की हानियों के बारे में। एयर कूल्ड इंजनों में शोर अधिक होता है, एयर कूल्ड इंजनों की इफिशियंसी भी कम होती है, एयर कूल्ड इंजनों की कूलिंग की गति भी कम होती है, यानी यह बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं। इसके साथ ही वातावरण के तापमान का प्रभाव भी एयर कूल्ड इंजनों पर पड़ता है, यानी कि गर्मियों में हवा के गर्म होने से एयर कूल्ड इंजनों की कूलिंग प्रभावित होती है। एयर कूल्ड इंजनों का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एयर कूल्ड इंजनों की फिन्स को हमेशा साफ रखें, क्योंकि यदि इन फिन्स पर गंदगी जमा हो जाएगी तो यह अच्छी तरह से हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही एयर कूल्ड इंजनों में यदि ब्लोअर का प्रयोग किया गया है तो ब्लोअर के बेल्ट को हमेशा टाइट रखना चाहिए। आइए अब इंजन के वॉटर कूलिंग सिस्टम को जानते हैं। वॉटर कूलिंग सिस्टम में पानी के द्वारा इंजन को ठंडा किया जाता है। वॉटर कूलिंग सिस्टम में इंजन में वॉटर जैकेट बने होते हैं। इन वॉटर जैकेट्स में पानी प्रवाहित होता है जो कि इंजन की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इंजन की गर्मी को एब्जॉर्ब करने के कारण यह पानी स्वयं गर्म हो जाता है, जिससे इस पानी को रेडिएटर में ले जाकर पुनः ठंडा किया जाता है एवं एक बार फिर से इस ठंडे हुए पानी को वापस इंजन में बने हुए वॉटर जैकेट्स में छोड़ दिया जाता है, जहां से यह फिर से इंजन की गर्मी को एब्जॉर्ब करके गर्म होता है और वापस रेडिएटर में ठंडा होता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वॉटर कूलिंग सिस्टम की मुख्यतः दो प्रणालियां प्रचलित हैं, थर्मो साइफन सिस्टम एवं फोर्ज्ड फीड सिस्टम। फोर्ज्ड फीड सिस्टम को पंप सर्कुलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। आइए एक एक करके इन दोनों सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। पहला सिस्टम है थर्मो साइफन सिस्टम। इस सिस्टम की विशेषता है कि इसमें वॉटर पंप का प्रयोग नहीं होता। इसमें पानी का सर्कुलेशन गर्म एवं ठंडे पानी की डेंसिटी में अंतर होने के कारण होता है। जब पानी गर्म होता है तो वह हल्का होकर ऊपर उठता है एवं पानी के ठंडा होने पर यह भारी होगा एवं नीचे बैठेगा। इसी सिद्धांत का प्रयोग थर्मो साइफन सिस्टम में किया जाता है। इंजन में बने हुए वॉटर जैकेट्स में पानी प्रवाहित होता है, जहां पर यह इंजन की गर्मी को एब्जॉर्ब करके गर्म होता है, जिससे यह हल्का होकर ऊपर उठता है, जहां से इसका संपर्क रेडिएटर के अपर टैंक से होता है। रेडिएटर के अपर टैंक के द्वारा यह रेडिएटर की ट्यूब्स में जाता है, जहां पर यह ठंडा होता है एवं रेडिएटर में नीचे की ओर बैठता है और रेडिएटर के लोअर टैंक में पहुंचता है। रेडिएटर के लोअर टैंक से यह फिर से इंजन के वॉटर जैकेट में पहुंचता है, जहां पर यह पुनः इंजन की गर्मी को एब्जॉर्ब करके गर्म होकर हल्का होता है एवं ऊपर उठता है एवं पुनः रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंचता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। थर्मो साइफन सिस्टम में निम्नलिखित कमियां होती हैं। थर्मो साइफन सिस्टम में काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें रेडिएटर को बड़ा बनाना होता है। यदि किसी कारण से रेडिएटर,
होस पाइप या वाटर जैकेट में कोई रुकावट आ जाए तो यह सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इस सिस्टम की इफिशियंसी भी कम होती है। इसीलिए थर्मोसाइफन सिस्टम का प्रयोग पुराने समय में किया जाता था। आज के समय में वाहनों में प्रयोग किया जाता है फोर्स्ड फीड सिस्टम का। फोर्स्ड फीड सिस्टम में वाटर पंप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पंप सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। पंप सर्कुलेशन सिस्टम का कार्य करने का तरीका भी थर्मोसाइफन सिस्टम की तरह ही है, परंतु इसमें पानी के सर्कुलेशन के लिए वाटर पंप का प्रयोग किया जाता है। इस वाटर पंप को इंजन की क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ड्राइव मिलती है। इसके लिए क्रैंक शाफ्ट पर एक पुली लगी होती है। इस पुली के द्वारा बेल्ट के माध्यम से ही इस वाटर पंप को ड्राइव मिलती है। वाटर पंप का संबंध इंजन की क्रैंक शाफ्ट से होने के कारण वाटर पंप की स्पीड इंजन की स्पीड पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इंजन की स्पीड बढ़ने पर पानी के सर्कुलेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। हमें वाटर कूलिंग सिस्टम की डिटेल्ड स्टडी करनी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस क्रम में नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स की स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।